नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों हर व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी पाना चाहता है, मान सम्मान पाना चाहता है, धन दौलत एकत्रित करके अपने परिवार को सुख समृद्धि खुशियाँ और ऐश्वर्य प्रदान करना चाहता है। लेकिन दोस्तों अधिकतर लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करने के बाद भी ये सब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने कर लिया तो ये सभी चीजें धन सम्मान सुख समृद्धि प्रतिष्ठा आदि सब कुछ सहज रूप से ही आपको मिल जाएगा। सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में डाल दें एक छोटी सी चीज, मिलेगा धन मान सम्मान, नौकरी व्यापार में उन्नति, पितृ का सहयोग और रोगों से भी मुक्ति। जी हाँ दोस्तों, केवल ये एक छोटी सी चीज अगर आपने लोटे में डाल कर और सूर्य देव को जल चढ़ा दिया तो समझ लीजिए कि ये सभी चीजें आपकी झोली में खुद ही आकर गिर जाएंगी। आपको फिर जीवन में कभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों वैसे तो सूर्य देव को प्रतिदिन ही जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रतिदिन सूर्य देव को जो लोटे से जल नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप रविवार के दिन ही आप लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाया करें। दोस्तों सूर्य देव की दो संतानें हैं, एक यमराज और एक शनिदेव। ऐसा कहा जाता है कि जिन किसी व्यक्ति के ऊपर भी सूर्य देव की कृपा हो जाती है उन सभी को धन मान सम्मान के साथ साथ इन दोनों का भी आशीर्वाद मिल जाता है, क्योंकि उनके पिता का आशीर्वाद होने की वजह से यम से कोई भी खतरा नहीं होता है और शनि देव की साढ़े साथी या ढैया का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता है। दोस्तों जीवन में हर किसी व्यक्ति को सिर्फ दो ही चीजों का खतरा होता है, या तो वे विनाश की तरफ जाएगा या फिर मृत्यु उसका पीछा करेगी। दोस्तों अगर आपने सूर्य देव को जल दिया तो आपको यम देवता से भी कोई खतरा नहीं और साथ ही साथ शनि देव का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलता है। इसीलिए दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई छोटी सी चीज लोटे में डाल करके सूर्य देव को जल अवश्य देना चाहिए। हम आपको उस चीज के बारे में बताएं या उस उपाय के बारे में बताएं उससे पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में एक बार जय बजरंगबली अवश्य लिख देना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। तो दोस्तों अब जानते हैं इस उपाय के बारे में कि आपको ये क्या चीज है जो लोटे में डालनी है और आपको किस विधि से करनी है। दोस्तों विधि विधान से करना ही बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई भी उपाय विधि विधान से करते हैं तभी आपको उसका पूर्ण फल मिलता है। अगर बिना विधि के कोई भी किया गया उपाय आपको कभी भी फल नहीं देता है और कभी कभी अगर विधि खराब हो जाए तो आपको उसका उल्टा प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो सके। ऋग्वेद के अनुसार सूर्य देव में पापों से मुक्ति दिलाने, रोगों का नाश करने, आयु और सुख में वृद्धि करने व गरीबी दूर करने की अपार शक्ति है। इसीलिए जो भी जातक नित्य सूर्य देव को जल चढ़ाता है या रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाता है उसको यह सभी सहज ही मिल जाता है, उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप एक तांबे का ही लोटा लें। जी हाँ दोस्तों, सूर्य देव को हमेशा तांबे के लोटे से ही जल चढ़ाना चाहिए। एक तांबे का लोटा लेकर के उसमें जल भर लें। जल भरने के बाद उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें। यह बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो आप बाजार से खरीदकर जरूर लेके आए। इसमें चाहे आप थोड़ा सा ही डालें लेकिन गंगा जल अवश्य डालें। इसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कुमकुम और एक चुटकी शक्कर और थोड़े से यानी कि 21 दाने साबुत चावल के डालें। चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए दोस्तों, खंडित नहीं होने चाहिए, उन्हें आप डालें। अब दोस्तों बिल्कुल विशेष चीज, दो पुष्प जो कि लाल रंग के हों आप उन्हें इस जल में अवश्य डाल दें। ये सभी सामग्री लोटे में डाल देने के बाद आप सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दें। दोस्तों तब तक इस मंत्र का जाप करते रहें जब तक कि पूरे जल आप उनको अर्घ न दे दें। दोस्तों एक पतली धारा बांध करके धीरे धीरे सूर्य देव को जल का अर्घ दें। दोस्तों अगर किसी कारण से आकाश में बादल छाए हुए हैं या फिर आपको जल देने में देरी हो गई है तो भी आप सूर्य देव को पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल दें। सूर्य देव को जल देने के लिए लोटे को अपने सिर से ऊपर की ओर कर लें, उसके बाद जल अर्पित करें और जो धारा लोटे में से गिरेगी उसमें से होते हुए सूर्य देव के दर्शन करें। जब सारा जल जमीन पर गिर जाएगा उसमें से थोड़ा सा भाग अपने आँखों पर और अपने माथे पर लगा लें और हाथ जोड़ करके वहीं चारों ओर घूम करके एक परिक्रमा करें। दोस्तों यही वह नियम है, यही वह विधि है
जिसे करने से ही आपको पूरा फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जय बजरंगबली।